बरसात के लिए है, आगे पढ़ना है। पार्ट तीन में 100 रुपये का नोट देखकर लेखक की आंखें फटी की फटी रह गई। आज जिंदगी में दूसरी बार यह नोट देख रहा था। एक बार माँ ने बापू की दवाई लाने के लिए 100 रुपये का नोट दिया था और दूसरी बार आज लेखक ने झट से 100 रुपये की ओर इशारा कर दिया। यह नोट बड़ा है। बाबू मेरी लेखक की विवश दृष्टि को पहचान गए थे शायद, मुस्कुराते हुए बोले, मैं यह बड़ा नोट भी तुम्हें दे सकता हूँ मगर एक शर्त पर। फिर एक शर्त। मन ही मन बाबू पर बड़ा क्रोध आया। यह बाबू है क्या, हर बात पर शर्त। मुझे चुप देख हुआ बोले, कहो शर्त मानने को तैयार हो? लेखक ने सोचा शर्त सुन तो लेनी ही चाहिए, मंजूर करना या न करना मेरी मर्जी। 20 रुपये तो मैं जीत ही चुका हूँ, क्या पता 100 का नोट भी जीत जाऊँ। लेखक ने हाँ में सर हिला दिया। शर्त क्या है? बाबू मुस्कुराए बोले, यह कमरा देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है। अगर आधे घंटे में तुम इसे चकाचक चमका दो तो यह 100 रुपये तुम्हारे। बोलो है शर्त मंजूर? बाबू बहुत चालाक नजर आए। लेखक फिर मन में सोचने लगा, इतना बड़ा कमरा, आधे घंटे का समय, काम मुश्किल है। फिर विचार आया, कोशिश करने में हर्ज क्या है, 20 रुपये तो मेरे ही हैं ही, 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो ना सही, यूँ भी 20 रुपये लेकर लौटूंगा तो भीगूंगा ही। बाहर बारिश तेज हो चुकी है और अगर कमरा साफ कर पाया तो 100 रुपये मेरे। लेखक ने शर्त मान ली। बाबू से झाड़ू और एक कपड़ा लाने को कहा। बाबू एक मिनट में ही एक फटी धोती, एक बाल्टी पानी, एक मग और झाड़ू ले आए और बोले, ध्यान रहे समय आधा घंटा है, कमरा साफ होना चाहिए और हर चीज़ करीने से रखी गई हो, एक बार फिर सोच लो। लेखक ने बड़े गर्व से कहा, बाबू 2 शर्तें जीती हैं, तीसरी हारना नहीं चाहूँगा। बाबू ने लेखक की पीठ थपथपाई और चले गए। थोड़ी देर के लिए लेखक को लगा यह शर्त हार जाएगा, उसे भाग जाना चाहिए। लेखक की कर्मठ माँ की पुरानी छवि लेखक के सामने आ गई। जब काम से लौटकर कमर पर साड़ी का पल्लू लपेटकर वे 5 मिनट में घर साफ कर देती थी। लेखक ने पहले धोती के 3 टुकड़े किए, एक अपने मुंह और सिर पर बांधा, दूसरा बाल्टी के पानी में डाल दिया, तीसरा सूखा रखा और काम में जुट गया। मेज और कुर्सियों को चमकाया, उन्हें कमरे के बाहर बरामदे में रखा, फिर चरपाई को झाड़ा। झाड़कर धूल हटने से वह भी चमक उठी, घसीट कर उसे भी बरामदे में रखा। फर्श की धूल झाड़ू से इकट्ठा करके एक कोने में रखी। अलमारी में एक अखबार का बड़ा सा कागज़ था, उसमें धूल भरकर बाहर रख दी। फिर अलमारी को इधर उधर घसीटते हुए जाले और धूल झाड़ी। घड़ी को चमकाकर उसी जगह लटका दिया, फिर अलमारी को चमकाया, अंत में फिर फर्श को साफ किया। गीला पोछा लगाकर सूखे कपड़े से पोछा, कमरा चमक उठा था। लेखक भी देखकर हैरान था, क्या यह वही कमरा है जिसमें थोड़ी देर पहले वह आया था? लेखक को लगा, अब मैं
100 रुपये जीत चुका हूँ। मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी और चारपाई ठीक तरीके से लगाई, अपनी बुद्धि अनुसार कमरे को सजा दिया। ठीक आधे घंटे बाद बाबू कमरे में आए, कमरा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाबू ने पास आकर लेखक की पीठ थपथपाई, बोले, तुम मेरी 3 शर्तों का मतलब समझे? मैंने कहा, हाँ, 120 रुपये। बाबू बोले, नहीं, पैसा नहीं, मेरी पहली शर्त का मतलब था जीवन में आगे बढ़ते जाओ, मंजिल तक जरूर पहुँचोगे। दूसरी शर्त का मतलब था मंजिल पर रुको मत, कुछ और करने की कोशिश करो, जिससे डर लगे उसे जरूर करो, नया अनुभव मिलेगा। तीसरी शर्त का मतलब था मेहनत रंग लाती है, समय निर्धारण कर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यह लो 120 रुपये। बाबू ने पैसे लेखक के हाथ पर रखे और बोले, इन 3 शर्तों को गांठ में बांध लो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। लेखक ने आज तक 3 शर्तों की गांठ नहीं खुलने दी। लेखक ने गली के नुक्कड़ पर रेहड़ी लगाकर कभी पतंग, कभी होली के रंग, तो कभी बच्चों के खिलौने बेच बेच कर अपनी और माँ की रोटी चलाई। लेखक ने जीवन में बदलाव का वह महत्वपूर्ण क्षण था, उनकी शर्तों ने लेखक की जिंदगी बदल दी। लेखक को लगता है कभी न कभी जीवन में विलक्षण क्षण आता है, बस उसे समझने की, पहचानने की जरूरत होती है। जो सही अवसर को पहचान गया वह सफल हो गया। यह भी सच है कि उस दिन के बाद लेखक को कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी। मनुष्य को दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझ कर जीवन जीना चाहिए।